वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लिवर जो कि एक बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं आपको बताऊंगा ये इस सीरीज का फोर्थ वीडियो है अगर आपने पहले तीन वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आपने वो जरूर भी देखने हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं लिवर इंसानी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है इट इज़ लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है वो है स्किन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द लॉर्जेस्ट आर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज स्किन और इंटरनल या सॉलिड या सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इज लिवर और लिवर की लोकेशन क्या है इट इज फाउंड इन द अपर राइट साइड क्वाड्रेंट ऑफ कैविटी एंड बिलो डायफ्राम। ये डायफ्राम की क्या नीचे होता है और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके क्या ऊपर होता है ये है लिवर देखें ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है द स्टडी ऑफ लिवर एग्जाम्स में स्टडीज के बारे में पूछा जाता है तो द स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपोटोलॉजी एंड ऐसा डॉक्टर जो कि लिवर से रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट करे उसको क्या हेपोटोलॉजिस्ट है, कहते हैं अब आते हैं फंक्शन ऑफ द लिवर जैसे मैंने आपको बताया इट इज एन एसेंशियल वाइटल ऑर्गन विदाउट लिवर देयर इज नो लाइफ ये मोर देन फाइव हंड्रेड वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है इसके जो मेन फंक्शंस हैं ये हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं जितने भी पॉइजनस सबिस्टेंसेज हैं इनको क्या रिमूव करता है ब्लड शुगर लेवल को क्या रेगुलेट करता है और कई सारी जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्रिएट करता है लिवर का एक फंक्शन है अलब्यूमिन प्रोडक्शन एल्ब्यूमिन क्या है एक प्रोटीन है उस प्रोटीन का क्या काम है इट कीप्स फ्लूड इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीकिंग इन टू सराउंडिंग टिश्यूज ब्लड स्ट्रीम में जितने भी फ्लूड्स होते हैं वो सराउंडिंग टिश्यूज में लीक ना हो जाएं तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये उनको हेल्प करता है ताकि वो उनका फ्लो ठीक रहे लीकेज ना हो तो ये किसका फंक्शन है एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लिवर लिवर का दूसरा फंक्शन है क्या बाइल प्रोडक्शन अब बाइल क्या है ये एक लिक्विड है फ्लूड है जो क्या करता है हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स बाइल से रिलेटेड आपने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखनी है एक तो बाइल की जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है दैट इज लिवर बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर और उसका और उसका काम क्या है ये जितनी भी हम फैट्स खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइल इज इन तो बाइल किस में गाल ब्लेडर में स्टोर होता है और कहाँ पे वो एम्प्टी होता है इंटेस्टाइन में ड्यूरिंग डाइजेशन वो जो आपके गाल ब्लेडर में बाइल स्टोर होता है वो कहाँ पे एम्प्टी होता है इट इज एम्प्टीज इन टू यूर इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन थर्ड पॉइंट है रेगुलेट्स अमाइनो एसिड्स एज यू नो के द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन अम्बाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रोटीन की प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है अमाइनो एसिड्स पे और लिवर मैक श्योर करता है कि जो अमाइनो एसिड्स की लेवल है ब्लड स्ट्रीम वो हेल्दी रहे एक और फंक्शन है रेगुलर ब्लड क्लाटिंग अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है एज यू नो के जब आपकी बॉडी को कोई कट लग जाता है और ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लड क्या बंद हो जाता है तो इस अमल को क्या कहते हैं ब्लड क्लाटिंग और ये ब्लड क्लाटिंग ऑफ विटामिन के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ब्लड क्लाटिंग किसकी हेल्प से होती है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ विटामिन के और ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स लिवर क्या करता है कई सारे मिनरल्स एंड विटामिन को क्या स्टोर करता है ताकि जब उनकी जरूरत पड़े तो उनको रिलीज करता है अब विटामिन के बारे में आपको ये याद रखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन एक को हम कहते हैं क्या वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड अदर्स आर वॉट फैट साल विटामिन जो फैट साल्यूबल विटामिन विटामिन ए डी ई के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है विटामिन ए डी ई के they are called fat soluble vitamins because they need fat for the dissolution and they are stored in liver vitamin A D E K kya uh, vitamin A D E K ये क्या आपके liver में store होते हैं अब इस तरह के अगर कोई आप खाना खा रहे हैं और उनमें इन में से कोई भी एक विटामिन है अगर आपके बॉडी से वो एक्सेस है तो वो क्या आपका बॉडी स्टोर करता है और वो किस में स्टोर होती हैं लिवर में एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी दे आर नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अगर आप बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा इंटेक करते हैं तो ये आपके यूरिन के थ्रू क्या निकल जाते हैं अब लिवर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच ऑफ़ द फॉइंग स्टेटमेंट इज प्रूव अबाउट द्यूमन लिवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इस सवाल का सही ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ वाइल मैंने पढ़ाया आपको ये किसका फंक्शन है लिवर का ऑप्शन बी है मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स ऑप्शन सी है मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डी ऑल ऑफ दही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दबोव ऑल आर दंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर क्वेश्चन नंबर थ्री है अल्ब्यूमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड ब्लड से क्या करता है ब्लड स्ट्रीम से, से बचाता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इसका सही ऑप्शन है सी लिवर अल्ब्यूमियन इज प्रोड्यूस्ड बाई लिवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन नंबर फोर है वेयर इज दिवर लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी बिसाइड पेनक्रियाज बिसाइड हार्ट बिसाइड किडनी एंड ऑप्शन डी है अबव द एब्डोमिनल कैविटी तो इसका सही ऑप्शन क्या है अबव द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिंस इज स्टोर्ड इन दी लिवर मैंने आपको बताया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं विटामिन ए डी ई के दे आर स्टोर्ड इन लिवर. तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या डी ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स है लिवर अच्छा ये इससे एक और इस तरह भी निकल सकता है कि द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिवर इज कॉल्ड तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा सैरोसिस तो दिस इज मेनली डग्नोज बाय किस के थ्रू डायग्नोज होती है ऑप्शन ए है ब्लड टेस्ट बी है लिवर बायोप्सी सी है फिजिकल एग्जामिनेशन डी है आल ऑफ दी अबव तो इसका सही ऑप्शन है क्या बी लिवर बायोप्सी अब ये दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं एक होती है बायोप्सी एंड दूसरी होती है ऑटोपसी अब बायोप्सी क्या है लिविंग ह्यूमन बॉडी से अब जैसे लिवर से कोई एक सेल या कोई एक जरा निकाल के उस पर एग्जामिन करते हैं कि इसमें बीमारी है या नहीं है अगर है तो किस नोयत की बीमारी है आइदर इट इज कैंसरस और नॉट तो बायोप्सी बाम्ड ऑन लिविंग बॉडी एंड जो ऑटोप्सी होती है ये आफ्टर डेथ डेड बॉडी पे होती है जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं जो मेन एम है टू डिटरमिन द प्रेजेंस और एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज एक तो क्या डिटरमिन करें कि डिजीज है कोई बीमारी है अगर है तो उसकी नोयत क्या है वो कितनी खतरनाक है और ऑटोप्सी का जो मेन एम है वो क्या है टू तो डिटरमिन द कॉज ऑफ डेथ डेथ क्यों हुई या स्टेट ऑफ हेल्थ बिफोर डेथ डेथ से पहले बंदे की जो हेल्थ कंडीशंस थी वो क्या थी क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनक्यूरेबल वायरल हेपेटाइटिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज तो इसका सही ऑप्शन है क्या हेपेटाइटिस अल्कोहल ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज एज यू नो के जो इंसान शराब ज्यादा पीता है तो उसका लिवर क्या डैमेज होता है क्वेश्चन नंबर टेन है द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लिवर डिजीज तो इसका सही ऑप्शन है बी चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स इज नॉट अ टाइप ऑफ लिवर डिजीज एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रू अबाउट द ह्यूमन लिवर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन ए है लिवर इज ट्राइंगुलर इन शेप आपने देखा कि लिवर इज ट्राइंगुलर इन शेप लिवर इज दाइसरल ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट वेरी 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 इंपॉर्टेंटर की एक खासियत है कि इट कैन रीजनरेट आपने देखा होगा कि लिवर क्या ट्रांसप्लांट होता है एक बंदा जिसका हेल्दी लिवर है वो लिवर का कुछ हिस्सा क्या करता है किसी और को डोनेट करता है तो उसका जो लिवर है वो क्या रीजनरेट होता है एंड लिवर इज द लार्जेस्ट एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी यह भी मैंने आपको पढ़ाया तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी ऑल ऑफ दबोव So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.